बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो प्यारे व्यूअर्स, आज हम आए थे हमारे घर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर के फासले पर। जी, ये हमें ऊँट मिले। तो हमारे अंकल की तबीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आपने मशवरा दिया है कि इसे ऊँट का जो है दूध पिलाना चाहिए। तो जी, आज हम आए हैं ऊँट का दूध लेने के लिए। तो हमने जो है दूध निकाल लिया है माशाल्लाह से, तो तकरीबन 1.5 किलो होगा। तो वैसे भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ऊँट का जो दूध है 70 बीमारियों की शिफा है। तो डॉक्टर ने भी यही मशवरा दिया कि आप जो है जितना हो सके अपने बुज़ुर्ग को ऊँट का दूध पिलाओ, और जो है इंशाल्लाह, वैसे तो अल्लाह पाक शिफा देने वाले हैं लेकिन हजूर का भी फरमान है, तो ये 70 बीमारी की शिफा है। तो आप सब दुआ करें कि हमारे चाचू की जो तबीयत है बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है दूध निकाल लिया है। तो जब दूध निकालते आप देखते होंगे तो बहुत ही मज़ा आया जब वो दूध निकाल रहे थे। तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि ऊँट का जो दूध है किस तरह निकाला जाता है। तो खड़े होकर माशाल्लाह निकाल रहे थे दूध। वैसे तो आम अगर जानवर का दूध निकाला जाए तो दूध निकालने वाला होता है वो बैठ जाता है और जानवर खड़ा रहता है। यहाँ पर कुछ इस तरह सीन हुआ कि जानवर भी खड़ा है और दूध निकालने वाला भी खड़ा होकर बर्तन हाथ में लिए दूध निकाल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दूध हमने जो है ले लिया है। तो अब घर चलते हैं, सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा है और अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो आप सब दुआ करें, मैं फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे अंकल की तबीयत जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मिलते हैं कल एक फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।